Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. How are you? I hope you are all safe and sound at your home. Welcome to online class from Russian Public High School. Let's start our work on page number 46. So open page number 46. Page number 46 पे हमने आज ए एड टू पी पा राइट करना है. एक दफ़ा मेरे साथ ड्रिल कर लें आप, उसके बाद हम राइट करते हैं. ए ए बीबा सीका डीडा ई ई एफा जीगा एचहा आई ई जेजा केखा एल्ला एम मा एन ना ओ ओ पी पा. हम लोगों ने सी वर्क पे राइट किया हुआ था, अब मैं आपके सामने दोबारा से राइट करूंगी. पेज नंबर 47 होमवर्क पेज. सबसे पहले राइट करूंगी ए. आप जान ऊपर वाली थ्री लाइंस पे हमने राइट करना है. ए ए जो है वो सेंटर वाली टू लाइंस पे राइट करेंगे. ए ए बी बा सी का. प्यारे बच्चों एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जैसे हम लिखना शुरू करते हैं पेंसिल को ना उठाया करें. समटाइम्स आप लोग क्या करते हैं, ए इस तरह राइट करते हैं, ये रॉन्ग वे है. इस तरह राइट किया, फिर इसको यहाँ से कर्व कर दिया, फिर यहाँ से यूँ, और ये रॉन्ग वे है. लिखा तो जाता है इस तरह भी, लेकिन ये ठीक तरीका नहीं है. इससे आपकी राइटिंग जो है वो नीट नहीं होती, और आपको लिखने में भी दुश्वारी होती है. जब आप ज्वाइनिंग करोगे उस वक्त भी प्रॉब्लम होगी. तो मैं एक दफ़ा फिर ए आपके सामने लिखती हूँ. एक ही दफ़ा आपने स्टार्ट करना है, और जब ये पूरा लेटर लिखा जाएगा तभी पेंसिल को उठाना है. अप डाउन, यहाँ से कर्व किया, देन टर्न करके बाहर की तरफ ले गए. ए ए फिर हमने बी बा लिखा और सी का. अब लिखेंगे डी. डी देखिए, एक दफ़ा मैं लिखना शुरू करती हूँ, पेंसिल तभी उठाती हूँ जब हमारा लेटर कंप्लीट हो जाता है. डी ड डी ड ई ई ऊपर वाली थ्री लाइन्स में और ई सेंटर वाली टू लाइन्स में. ई ई आफ्टर दैट एफ एफ फ फ फोर लाइन्स पे आपने राइट करना है. एफ फ देन जी गा जी गा एच हा एच हा एल ला एच हा एल ला सॉरी जी एच आई आई लिखना था. प्यारे बच्चों ये देखिए, हमने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया. ए ए बी बा सी का डी डा ई ई एफ जी गा एच हा आई ई लिखना था, मैंने गलती से एल राइट कर दिए. जी एच के बाद क्या आता है, आई. ऊपर वाली थ्री लाइन्स में आई राइट करना है, और सेंटर वाली टू लाइन्स में डॉटेड ई. आई ई ए ए बी बा सी का डी डा ई ई एफ
जी ग एच हा आई ई, क्या राइट करना है यहाँ पर, आई ई, आई ई के बाद हमने राइट करना है जे जा, जे जो है प्यारे बच्चों हम लोगों ने फोर लाइंस पे राइट करना है, ये देखिए जे, और जा जो है वो सॉरी नीचे वाली थ्री लाइंस पे राइट करना है, जे जा, व्हाट कम्स आफ्टर जे जा, के खा, के खा, इसके बाद हमने लिखना है एल्ला, एल ला, व्हाट कम्स आफ्टर एल्ला, एम, देखें बिल्कुल ए शेप की तरह, अगेन अप डाउन एंड टर्न, एम म, सेंटर वाली टू लाइंस पे, एम म एन न ओ ओ ओ ओ, व्हाट कम्स आफ्टर ओ ओ, पीपा, डाउन अप राउंड पी, और पा राइट करना है फोर लाइंस पर, पीपा। प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स राइट किए हैं ई ए टू पीपा, पेज नंबर 46 और 47 पर, अब हम नेक्स्ट पेज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आज हमने राइट करना है क्यू, राउंड ऊपर वाली थ्री लाइंस में हम लोगों ने ओ बनाया, और फिर सेंटर वाली जो टू लाइंस हैं वहाँ से ये कर्व कर दिया लाइक दिस, क्यू क्वा, सेंटर वाली टू लाइंस में हमने का शेप की तरह इसकी शेप दी, अप डाउन एंड फ्लिक, क्वा क्यू क्वा, अगेन देखें क्यू किस तरह राइट करना है, हाउ टू राइट क्यू, रेज इट, क्वा सेंटर वाली टू लाइंस पर, फिर नीचे लेकर आना है देन फ्लिक, नीचे वाली थ्री लाइंस पे आपने लिखना है क्वा, क्या राइट करना है, क्वा क्यू, ऊपर वाली थ्री लाइंस पे राइट करेंगे हम, और क्वा जो है नीचे वाली थ्री लाइंस पे राइट करेंगे, क्वा क्यू क्वा, क्या राइट कर रहे हैं हम, क्यू क्वा, क्यू क्वा, क्यू क्वा, क्यू क्वा, क्या राइट कर रहे हैं हम, क्यू क्वा, क्यू क्वा, क्यू क्वा, क्यू क्वा, क्यू क्वा, क्यू क्वा। प्यारे बच्चों हम लोगों ने पेज नंबर 48
पर क्यू क्वारेट किया और अब 49 पे कर रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट पेज करना है आपने पूरा। आप लोगों ने पेज नंबर 46 से पेज नंबर 49 तक तमाम पेजेस अपने फर्स्ट टर्म के वर्कबुक पर सॉल्व करने हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।